अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके की, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर तो ये बोरीवली की तस्वीरें हैं, जहां मुंबई बैंक के संचालक और शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर का जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर यहां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैसे पहले यह देखने को मिलता था कि अक्सर जब भी किसी पार्टी के नेता का जन्मदिन सामने आता था तो उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थन करने वाले लोग सड़कों के किनारे लंबे लंबे होर्डिंग और पोस्टर लगाया करते थे, लेकिन जब से कोरोना का ये दौर शुरू हुआ उसके बाद से ही जन्मदिन हो या किसी तरह का कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान लोग कर सके इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली इलाके में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर का जन्मदिन शिव सैनिकों ने कुछ इच अंदाज में मनाया। इस ब्लड बैंक में युवाओं ने तकरीबन 150 बोतल तक ब्लड कलेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस कोरोना महामारी के दौरान शाखा क्रमांक 1 द्वारा ये चौथा ऐसा मौका है जब ब्लड डोनेशन कैंप का यहां आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दहीसर पश्चिम के जैन गार्डन के पीछे मैंग्रोव में क्लीनअप कैंप भी चलाया गया। क्लीनअप कैंप में मैंग्रोव से 4 ट्रक डेब्रीज और प्लास्टिक निकाले गए। इस मौके पर विधायक विलास पोतनीस, पूर्व नगर सेवक और मुंबई बैंक के संचालक अभिषेक घोसालकर, भालचंद्र महात्रे, शकुंतला शेलार, राजेंद्र इंदुलकर समेत बड़ी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। आज शिवसेना शाखा क्रमांक 1 और युवा सेना के माध्यम से आज यहां पे ब्लड कैंप आयोजित किया हुआ है। आज मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा लोगों ने अभी तक यहाँ पे ब्लड कैंप में अपना सहभाग दिया हुआ है और आज का हमारा जो टारगेट हो 120-130 लोगों को यहाँ पे हम लोग ने आमंत्रित किया है ब्लड कैंप के लिए और 130 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे ऐसी अपेक्षा है। मेरे ख्याल से कोविड के इस महामारी में ये चौथा ब्लड कैंप हम लोग आज ले रहे हैं। आज ऐसे ही कांदरपाड़ा में जैन गार्डन के पीछे जो हमारा मैंग्रोव है, वो मैंग्रोव का क्लीनअप कैंप का भी आयोजन आज सुबह से किया हुआ था और वो आयोजन करके आज ब्लड कैंप का ये आयोजन हो रहा है। लोगों का उत्साह और युवा पीढ़ी का उत्साह खास करके यहाँ पे बहुत है। मैं युवा पीढ़ी को खास करके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, हमारे पंचमहाभूते फाउंडेशन को भी यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये ब्लड कैंप सक्सेस बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की, वो सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शिवसेना शाखा क्रमांक 1 की तरफ से आज हमारे पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन का औचित्य ये करके आज एक नंबर ने बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप इधर रखा है। शिवसेना शाखा क्रमांक 1 ये काम में हमेशा अग्रसर रहती है। ये मेरे ख्याल से ये 2 महीने में चौथा फोर्थ ब्लड कैंप ये लोगों ने अरेंज किया है। काफ़ी सोशल काम 2 दिन पहले भी गणपत पाटिल नगर में ये लोगों ने सक्षम औरत में सक्षम स्त्री कार्यक्रम इधर रखा था। 1000 औरतों को साड़ी, प्रेशर कुकर और बच्चे लोग को स्कूल बैग का वाटप भी उधर किया था। बहुत अच्छा काम इधर नगर सेविका हमारी तेजस्वी घोसाळकर, माजी नगर सेवक, मुंबई बैंक के हमारे अध्यक्ष, मुंबई बैंक के सदस्य अभिषेक घोसाळकर, उनके शाखा प्रमुख इंदुलकर और सब लोग, सभी कार्यकर्ते बहुत अच्छा इधर काम करते, लोगों की सेवा करने का काम इधर करते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ब्लड का डोनेशन, क्योंकि शिवसेना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम का जो होता है, 1 दिन में 25,000 बॉटल जमा किया था, 1 दिन में 25,000 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया था। यह हमारा